हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसको सुन करके आप आत्मविश्वास से भर उठोगे। बच्चों, बात उन दिनों की है जब महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन अपने आविष्कारों को लेकर के पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु बने हुए थे। मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे आविष्कारों से दुनिया को उत्प्रोत किया। तो बच्चों, जब ये गए हुए थे अपने शहर के किसी कार्यक्रम के आयोजन में, तो वहाँ पे एक बच्चे ने इनसे पूछा कि सर, मैं 3 बार अपने एग्ज़ाम में फेल हुआ हूँ, क्या मैं भी आपके जैसा महान वैज्ञानिक बन पाऊँगा कभी? तो इन्होंने कुछ देर सोचा और उसके बाद कहा कि इसका उत्तर मैं यहाँ पे नहीं दे सकता, आप बेटा हमारे घर आ जाओ। अगले दिन वो बच्चा थॉमस एल्वा एडिसन के घर पहुँच गया और जब घर में पहुंचा तो थॉमस अल्वा एडिसन वहां पे मौजूद थे और उन्होंने उसको देखा, कहा कि अच्छा, तो तुमको अपना उसका जवाब चाहिए जो आपने प्रश्न पूछा था। बच्चे ने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, आओ मेरे साथ चलो। और उसको लेकर के एक कमरे में गए जो उनकी लेबोरेटरी हुआ करती थी, और वहां पे उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी देख रहे हो ये क्या है? तो उसने कहा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसको दूसरे कमरे में ले गए, वहाँ भी उन्होंने सामान दिखाया और कहा ये देख रहे हो ये क्या है? बच्चे ने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता ये क्या है। उसके बाद में उसको तीसरे कमरे में ले गए, उससे पूछा ये क्या है? बच्चे ने फिर से जवाब दिया, मुझे क्या पता ये क्या है, आप बार बार ये पूछ रहे हो, मैं तो कुछ नहीं जानता इनके बारे में कि ये क्या है, ये तो आप जानते होंगे ना। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये वो यंत्र हैं या वो सामान है, वो सामग्री है जिसका प्रयोग हमने किया किसी आविष्कार को करने में, लेकिन मैं बार बार असफल हुआ। ये वो सामग्रियां हैं जिन्होंने हमारी असफलता की दास्तान लिखी। दसियों हजार बार मैं फेल हुआ और बार बार हमने प्रयास किया, लेकिन बार बार असफलता हमारे हाथ लगी। और उसके बाद में तब जा करके हमने वो यंत्र बनाए हैं जिसकी वजह से आप हमको महान वैज्ञानिक कह सकते हो, या जिसकी वजह से हमको पूरी दुनिया याद कर रही है। और वो यंत्र एक प्रयास में नहीं बने, हजारों असफलताओं के बाद में तब हमने उसको बनाया है। और बेटा, आप भी आगे चल करके इन्हीं असफलताओं से सीखोगे और एक दिन महान बनोगे। तो अगर आप एक बार असफल होते हो तो ये मत सोचो कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी, बार बार प्रयास करोगे, जैसे मैंने सफलता पाई है, मैंने जिस तरीके से नाम कमाया है, जिस तरीके से मैंने आविष्कार किए हैं, जिस तरीके से मेरे आविष्कार की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है, जिस तरीके से मेरे आविष्कार पूरी दुनिया को रोशनी देते रहेंगे, उसी तरीके से आप भी आगे चल करके ये सब कुछ कर सकते हो। मैं जब जब फेल हुआ तब तब मैंने ये सोचा कि ये मैं फेल नहीं हो रहा हूँ, मैं ये जान पा रहा हूँ कि इस रास्ते से मैं ये आविष्कार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मैंने 10,000 ऐसे रास्ते ढूंढे जो काम नहीं करते थे, और एक दिन हमने वो रास्ता भी ढूंढ लिया जो काम करता था और हमने अपना आविष्कार कर लिया। तो बच्चों, आप बार बार फेल होते हो, बार बार असफलता हाथ लगती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सफलता आपके हाथ नहीं लगेगी। अगर आप अपने लक्ष्य को साध करके उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, निरंतर अभ्यास करोगे, अपनी असफलताओं से सीख लोगे, तो एक दिन जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं उन्हीं के तरीके से, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, महान आत्माएं हुई हैं, उन्हीं के तरीके से आपका भी नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो जब भी आपको कोई असफलता मिले बच्चों, ये मत सोचो कि ये मेरे साथ हो रहा है, एक्चुअल में वो सामग्री है जिसके सहायता से आप एक दिन एक अच्छी सी सामग्री बनाओगे। और आप जानते हो कि आपका नाम, आपकी शोहरत आपकी उसी सामग्री पे निर्मित होगी। मकड़ी कितने प्रयास करने के बाद में अपना एक जाला बनाती है बच्चों, ये आप नहीं जानते होंगे, लेकिन यही सही है, ये प्रकृति का नियम है। तो हमेशा अपनी असफलताओं से सीख लो और ये जान लो कि जिस तरीके से आपने काम किया था उससे सफलता मिलने वाली नहीं है। तो अपना रास्ता बदलो, अपनी स्पीड बदलो, टाइम का मैनेजमेंट करो, जुट जाओ और असफलता पीछे छूट जाएगी
आप आगे पहुंच जाओगे। अपना उद्देश्य तय करो, अपना लक्ष्य तय करो और ये ठान लो कि इस लक्ष्य तक ही पहुंचना हमारा सबसे बड़ा काम है। तो सिर्फ लक्ष्य तय करने से कुछ नहीं होगा, सपने देखिए, लक्ष्य तय करिए और एक्शन में जुट जाइए बच्चों। और जब आप ऐसा करोगे आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर कर देना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों।